सब देख रहे हैं मछली घर। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिश बॉल डेकोरेट करने वाले हैं, जिसका साइज है 14 इंच। तो चलिए इसे हम लोग डेकोरेट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। डेकोरेटिंग के लिए जो हम लोग सामान यूज करने वाले हैं, ये कलर स्टोन हो गया आपका, और ये प्लांट, और ये छोटा सा केब है। ये दोनों में से हम लोग केवल एक ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे में स्पेस बहुत कम रहता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से डेकोरेट करते हैं। एक बार इसे डेकोरेट करेंगे, इसको डाल के देखेंगे, फिर केक को डाल के देखेंगे कि किस में ज्यादा बेटर लगता है, और आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे डेकोरेट करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट में बात कर लेते हैं, जब भी आप कोई भी फिश बॉल लें तो उसका बेस लेना बहुत जरूरी है। तो इतना बड़ा साइज है तो बेस बहुत कम आता है, इसलिए हम लोग को मिला नहीं। इसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक फोम को गोल सा काट लिए हैं, देख रहे होंगे, और इसे इस तरह से हम लोग रख दिए हैं नीचे में। इसका जो शेप है उसी शेप से आप लोगों को काट लेना है, और इस तरह से आप लोगों को रख देना है। इससे क्या होगा कि प्रेशर ये फॉर्म पे आएगा, डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत कांच नाजुक होता है, कभी भी टूट सकता है। और धोने में खासकर ध्यान रखना है कि ये अच्छा जगह पहले नीचे अच्छा जगह में आप रखें, या नीचे फॉर्म में बिछा ले उसके ऊपर रख के धोएं, तब काफी अच्छा रहेगा। कहीं आप नीचे जमीन पर रख के धोते हैं तो तुरंत टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। और इसमें पानी डालने और निकालने के लिए आप लोगों को एक प्लास्टिक का मग बहुत जरूरी है, उसे ही आपको रखना है। तो चलिए हम लोग इसमें कलर स्टोन डालते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो देखते हैं कितना कलर स्टोन इसके अंदर जाता है। तो फ्रेंड्स, कलर स्टोन भी आप लोगों को ध्यान से यहाँ डालना है। आपको अगर छोटा मग है तो उसमें आप पहले ले लें, उसके बाद उसमें भर ले मग में, उसके बाद मग को नीचे ले जाकर आपको आराम से धीरे से यहाँ डाल देना है। लेकिन हम लोग पास छोटा मग नहीं है, इसीलिए हम लोग हाथ से डालने वाले हैं। तो इसमें इस तरह से नहीं छोड़ देना है, आप लोग को धीरे से नीचे ले जाकर रखना। फ्रेंड्स, कलर स्टोन काफी हो गया, इसमें लगभग 1 केजी के करीब आपको लग जाएगा ये 12 इंच में, और इसे छोटा में उसी से हिसाब से आप ले सकते हैं कलर स्टोन। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसमें अब पानी डालते हैं, देखते हैं कितना पानी ये लेता है। इसीलिए हम लोग 2 लीटर का ये बोतल यूज करने वाले हैं, कि देखते हैं कितना पानी इसके अंदर जाता है। और फ्रेंड्स, ये 8वां बोतल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें 8 बोतल इससे पानी ले चुका है, जिस ये 2 लीटर का बोतल है, तो टोटल 16 लीटर इसमें पानी अभी तक जा चुका है। लगता नहीं है कि 16 लीटर जाएगा, लेकिन इसमें 16 लीटर पानी जा चुका है, और भी अभी इसमें जाना बाकी है। लेकिन हम लोग फिश बॉल में थोड़ा कम ही पानी रखते हैं, ताकि फिश जो है बाहर ना कूदे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें स्टोन और केब और वाटर डाल चुके हैं। अब हम लोग चलिए इसमें फिश डाल के देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। तो कौन सा फिश उसमें अच्छा लगेगा, हम लोग देखते हैं। तो ये रहा गोल्ड फिश, और ये रहा मौली। ये मौली का काफी अच्छा वैरायटी आया हुआ है। तो अगर आपको ज्यादा फिश रखना है तो आप इसे रख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा लगेगा फिश बॉल में। और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको डालते हैं, हम लोग गोल्ड फिश डालेंगे, और देखते हैं कौन कौन सा डाल सकते हैं हम लोग गोल्ड फिश के साथ में। तो यहाँ देख रहे हैं रेंचू गोल्ड है, और इधर रेड कैप है, और उधर सुवांकिम है।
तो कौन सा डाला जाए, और यहाँ से सोच रहा है रेंचो, नहीं रेंचो नहीं डाला जाएगा, रेड कैप डालते हैं और गोल्ड फिश डालते हैं हम लोग, और इसके साथ में और भी ये लीचू गोल्ड भी रह सकता है और ब्लैक गोल्ड है, ब्लैक मोर भी बोला जाता है इसे, इसे भी डाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा डालते हैं हम लोग। तो दो गोल्ड फिश ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ से दो रेड कैप लेते हैं, चार हो गया, और ये बड़ा वाला कोई भी हम लोग डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास फिश आ गया है, देख रहे होंगे, तो इसमें हमने लिया है दो गोल्ड फिश है, दो मोलिना कार्प है और दो रेड कैप लीचू गोल्ड, जो कि मिक्स वैरायटी है। तो हम लोग 6 पीस इसमें डालने वाले हैं, और इसमें आप ये है कि इसमें ऑक्सीजन भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग इसे खोल के इसमें डालते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। और फ्रेंड्स 6 पीस फिश इसमें काफी है इतने बड़े बॉल के लिए, और इसमें आप चाहे तो ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये काफी खूबसूरत लग रहा है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा प्लांट डाल के कि कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स इसमें केब लगा हुआ है, अब हम लोग प्लांट लगा के देखते हैं कि किस तरह से लगता है ये। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये केब लगा हुआ था, और ये प्लांट हम लोग लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं केप से ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें प्लांट डालने से। एक पीस मैंने वो प्लांट डाला और काफी खूबसूरत लग रहा है ये। तो इसे आप अपने घर के टेबल वगैरह में रख सकते हैं आसानी से, बस ध्यान रखना है कि नीचे एक फॉर्म चाहिए या इसका स्टैंड आता है, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये फिश बॉल नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 14 इंच का फिश बॉल है, आप इसमें 6 फिश रख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो के लिए। धन्यवाद।